ज्ञान का काम क्या, अज्ञान को समाप्त कर दिया, बस खुद समाप्त हो गया। उस बेचारे को बीच में लटका दिया ज्ञानी को, अब वो ना उधर का हुआ ना इधर का हुआ, आत्मज्ञान की स्टेज पर खड़ा है। और वहां खड़ा कितनी देर रहेगा, क्योंकि नहीं कश्चित क्षणम जात उत्तिष्ठत्य कर्म, समाधि में भी गया तो कब तक रहेगा समाधि में, हजार दो हजार चार हजार वर्ष दस बीस हजार युग, फिर तो बाहर निकलेगा। शत्रु खड़े हैं बाहर सब, माया के भट। इसलिए आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, वहां पहुंच करके भी फिर अधप पतंत, उनका पतन हो जाता है। जीवन मुक्ता पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, जीवन मुक्त माने आत्मज्ञानी। एक जीवन मुक्त होता है ब्रह्मज्ञानी, भगवत प्राप्त महापुरुष, उसका पतन नहीं हुआ करता। ये जीवन मुक्त ऐसा है बुद्धू कि जीवन मुक्त न होते हुए भी अपने को जीवन मुक्त मानता है, ये भोलापन है उसका। और फिर अगर ये भी मान ले कि चलो ज्ञान से ही मोक्ष हो गया बिना भक्ति के, तो ऐसे मोक्ष से क्या लाभ जिससे हमारे संबंध का ही लोप हो गया। हम दास हैं, वो स्वामी है, ये जो हमारा सनातन संबंध है, अधिकार है, जिसके हम दाय भाग हैं, वो छिन गया। इतनी खतरनाक चुड़ैल है ये मुक्ति कि जिसको पकड़ ले सदा के लिए पकड़े रहे, वो कभी भी प्रेमानंद नहीं पा सकता। नारद जी एक बार वृंदावन में गए और वहां का सब प्रेमानंद देखा तो रोने लगे। तो ललिता ने पूछा, बाबा जी आप काहे को रो रहे हैं? अरे बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं कि ये प्रेमानंद इतना सस्ता है। कृष्ण भाव रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलं जन्म कोटि सुकृतैर्नु लभ्यते। ये श्री कृष्ण संबंधी प्रेम बड़ा सस्ता है और हर जगह मिलता है। ऐसा नहीं कि भाई ये सामान तो दिल्ली में मिलेगा, ये तो लंदन में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या दाम है भाई? तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलं, लालसा तृष्णा तीव्र इच्छा उसके पाने की, बस यही मूल्य। कोई साधन वाधन नहीं, निरक्षर भट्टाचार्य अंगूठा छाप हो, केवल इच्छा। और इच्छा सबके पास है, वो तो ऐसी चीज है नहीं कि साहब शास्त्र वेद पढ़ते तो हमारी इच्छा बनती। रोज इच्छा बनती है, आप जैसे संसारी वस्तुओं के लिए बनती है, काम ही नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम, बस उसी प्रकार की पिपासा वासना लालसा श्याम सुंदर संबंधी हो जाए, बस दाम दे दिया आपने, ले सामान। तो ये परमहंसों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वे बिचारे सदा को मुक्त हो गए। इसलिए हमारे यहां रसिकों ने मुक्ति को बहुत डांटा है, भुक्ति को उतना नहीं। संसार में हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, 84 लाख में घूम रहे हैं, बाई चांस कभी कोई रसिक मिल जाए और हमारी बुद्धि उस पर विश्वास कर ले तो हमारा काम बन सकता है, प्रेमानंद मिल सकता है, आशा तो है। लेकिन
ज्ञानियों को तो कोई आशा नहीं, क्योंकि वो मुक्त हो चुके। इसलिए रसिक लोग मुक्ति का बड़ा जबरदस्त विरोध करते हैं। एक बार मुक्ति एक महापुरुष के पास गई, ब्रज में हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। महापुरुष ने देखा, उन्होंने कहा, का त्वम, तू कौन है रे? का त्वम मुक्ति रूपा गता सि भवसी कस्माद कस्मादिह। तू मेरे आश्रम में तो यहां कभी कोई ऐसे आया नहीं, तू अकस्मात कहां से प्रकट हो गई? गेट बंद है फिर भी आ गई, तू कौन है तू? उन्होंने कहा, मैं मुक्ति हूं। मुक्ति? क्या काम है यहां? महाराज, श्री कृष्ण स्मरणेन देव भवतो दासी पदम प्रापिता। आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना? हाँ हाँ करते हैं। तो मुझे श्री कृष्ण ने दासी बना के भेजा है आपके पास। दासी? अरे राम 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 राम, तुझको दासी बनाएंगे हम? दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथम गुरु जादनार्जम मई। दूर दूर दूर। जैसे कोई कर्मकांडी पंडित के यहां कोई अछूत चांडाल आ जाए तो कहता है, दूर दूर दूर, तेरी हवा भी न लगे मुझे, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। ऐसे मुक्ति को डांट रहा है ये रसिक। दूरे तिष्ठ, दूर से बात करो, जाओ जाओ गेट के बाहर जाओ। क्यों भाई, क्या बात है? तुम्हारे इष्ट देव ने भेजा है, भेजा होगा, जाओ उन्हीं से लिपटो। क्यों? त्वद्गंधान निज नाम चंदन रसा लेपस्य लोपो भवेत। अरे तुम्हारी गंध भी अगर आ जाएगी अंदर तो मेरे प्रेमानंद का हिसाब किताब गड़बड़ होने लगेगा। अरे बिगड़ा हुआ मन है, कहीं चंचल हो जाए, ले लो मुक्ति तो हो गया बंटा ढाल। संग का प्रभाव पड़ता ही है, इसलिए दूरे तिष्ठ, दूर बैठो। न परिलसंत केचित अपवर्गमपि ईश्वरते। वेद कह रहे हैं कि अपवर्ग मोक्ष को इतना त्याज्य मानते हैं कि महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा कि चार पदार्थों में तार मध्य मोक्ष कैटव प्रधान, सबसे खतरा है, बड़ा भारी है। इसलिए ज्ञान से मोक्ष मिल भी जाए तो हमारे दास और स्वामी के संबंध को नष्ट करने वाले ऐसे मोक्ष से हमसे कोई मतलब नहीं, और फिर हो भी नहीं सकता। मोक्ष तो छोड़ो, प्रेम वारी बिनु सुनु खगराई, अभ्यंतर मल कबहू न जाई। मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि अंतःकरण शुद्धि भी ठीक ठीक नहीं हो सकती, और अगर अविद्या नष्ट भी हो गई तो विद्या माया तो बैठी रहेगी, और विद्या माया अगर अंदर है तो अविद्या माया को बुला लेती है, देर नहीं लगती है। जड़ भरत शरीर के जीवन मुक्त जो हिरणी शावक में आसक्त हुए, उनको बंधन हो गया, अविद्याग्रस्त हो गए, वो विद्या माया युक्त थे। विद्या माया स्थाई नहीं है, क्योंकि माया है वो अविद्या युक्त हो जाती है। रजोगुण तमोगुण भी आ जाता है सत्व गुण में, क्योंकि उसका अंश तो है। ये तीन गुण ऐसे हैं कि जहां सत्व गुण रहेगा वहां रजोगुण तमोगुण भी रहेगा, जहां रजोगुण रहेगा वहां सत्व गुण तमोगुण भी रहेगा, जहां तमोगुण रहेगा वहां रजोगुण सत्व गुण भी रहेगा। वो कम कम मात्रा में वो दबा हुआ है, नष्ट नहीं हुआ।
ये तीन गुण एक साथ नष्ट हो सकते हैं, एक एक करके नहीं, क्योंकि ये अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम ये तो एक ही माया देवी के तीन रूप हैं। तो इस प्रकार अभिधेय बताया गया कि केवल भक्ति ही अभिधेय है, भक्ति से ही सब काम बनेगा और भक्ति में सब अधिकारी हैं।